खाना बना लेती हो? जी हाँ आलू काटना आता है? हाँ जी। काट के दिखाओ। घर का काम ठीक से नहीं सीखा तुमने। छिलका कितना मोटा उतारा है। आंखों के नीचे काले घेरे हैं तुम्हारे। चश्मा लगाती हो क्या? नहीं अंकल। तुम भी कुछ पूछ लो सत्यम। क्या करती हैं आप? वीडियो क्रिएटर हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। क्या? वो जो कैमरे के सामने उछल कूद करके वीडियो बनाते हैं वो बनाती हैं आप? आजकल ऐसे लोग ना वक्त देखते हैं ना जगह, बस मुंह उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया है कि अब सरकारी नौकरी कर रहा है। अच्छा हुआ जी हमने अपने बेटे को ऐसी उछल कूद नहीं सिखाई। सुनो अब लेन देन की बात कर लो। 20 लाख कैश और एक एसयूवी फाइनल करते हैं। उससे ज्यादा तो आपके बस का है भी नहीं। आप जैसे कहोगे वैसे ही हो जाएगा भाई साहब। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है, आपके घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। देखकर तो नहीं लग रहा कि आपने इसकी परवरिश अच्छे से की होगी। बस आप हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पापा की हुई परवरिश पर सवाल उठाएंगे या हमें नीचा दिखाएंगे। वैसे आपका बेटा आपको बहुत संस्कारी लग रहा है ना, तो इसके माथे पर आप संस्कारी नाम पर टैटू क्यों नहीं बना देते? शायद 20 लाख की जगह आपको 30 लाख मिल जाए दहेज में। बस बस कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम। आंटी जी अभी तो मैंने बोलना ही शुरू कहाँ किया है। वैसे व्लॉगर हूँ मैं, रियल लाइफ में बहुत बोलती हूँ, रियल लाइफ में बोलने का आज मौका मिला है मुझे। आपके सरकारी बाबू की तरह नहीं हूँ जो अपनी घिसी पिटी जिंदगी और सोच को दूसरों पर थोपते हैं और मजाक उड़ाते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है मैंने और ये जो व्लॉगिंग है ये मेरी खुद की चॉइस है और पापा का पूरा सपोर्ट है मुझे। वैसे तुम अपनी नौकरी से कितना कमा लेते हो? 80,000, पूरे 80,000। 80,000? बस 80,000? जानते हो मैं कितना कमाती हूँ? महीने में पूरे 2 लाख रुपए। माफ कीजिएगा अंकल जी, आपको अपने बेटे को किसी के घर नहीं ले जाना चाहिए रिश्ते के लिए। इसे ना आप किसी मंडी में ले जाओ जहां आप इसकी बोली लगाकर इसे बेच सको और आपको इसके सही दाम मिल जाए। पापा, मम्मी। बस बस बहुत हुआ लड़की। क्या आंटी, अपनी बारी में तो बहुत जल्दी बस हो गया। और तुमने क्या रट लगा रखी है मम्मी पापा की? आप लोग यहाँ से निकलिए और कहीं और जाके अपने बेटे की बोली लगाइए। अब चलो यहाँ से। हाँ चलो, हमें नहीं करनी शादी। पापा। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में बेटियां कभी खुश नहीं रह सकती। इन्हें बेटी की वैल्यू नहीं पता क्योंकि बेटियां तो अनमोल होती हैं।